नमस्कार, मैं हूं आलोक द्विवेदी और आज शुद्ध सियासत में बातचीत करेंगे हिमाचल प्रदेश की। उत्तर प्रदेश के बाद कांग्रेस शासित हिमाचल में रेहड़ी पटरी और ढाबे होटल वालों के लिए आईडी और पहचान उजागर करने के फैसले पर बवाल हो गया है। हिमाचल के पीडब्ल्यूडी मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने ये ऐलान किया था कि अब होटल, स्ट्रीट वेंडर्स और रेहड़ी पटरी वालों को नेम प्लेट लगानी होगी। उन्होंने ये भी कहा कि हिमाचल में यूपी मॉडल लागू किया जाएगा। विक्रमादित्य ने जो अपने हैंडल पर पोस्ट की थी उसे यूपी के सीएम का योगी का फोटो भी लगा दिखा, जिसके बाद वो मुस्लिम नेताओं के साथ साथ कांग्रेस आलाकमान के निशाने पर आ गए। अब हालत यह है कि कांग्रेस के नेताओं से लेकर हिमाचल के सुक्खू सरकार ने अपने ही मंत्री विक्रमादित्य के बयान से किनारा कर लिया है और कांग्रेस आलाकमान ने उन्हें दिल्ली तलब किया है, जिसके बाद खुद विक्रमादित्य के सुर बदले नजर आ रहे हैं। उन्होंने अपनी पोस्ट को भी एडिट कर दिया है। दरअसल 24 सितंबर को योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में खाने की चीज़ों में गंदगी मिलाने वालों पर सख्त एक्शन लेने के लिए कहा था और सभी ढाबों और रेस्टोरेंट पर मालिकों और कर्मचारियों के नाम लिखने के दिशा निर्देश दिए थे। इसे कांग्रेस और समाजवादी पार्टी समेत कई विपक्षी नेताओं ने मुसलमान और दलितों को अलग थलग करने की कोशिश बताया, लेकिन अब हिमाचल में यूपी जैसा मॉडल लागू करने के ऐलान से कांग्रेस को जवाब देना मुश्किल हो रहा है। इसलिए शुद्ध सियासत में सवाल पूछना जरूरी है कि क्या मिलावट रोकने के लिए योगी मॉडल ही चलेगा? आईडी और पहचान बताने के लिए फरमान पर एतराज क्यों? योगी मॉडल के नाम पर कांग्रेस में क्यों मचा हुआ है घमासान? और ये तमाम सारे सवाल, ये तमाम सारे जो बड़े बड़े सवाल हैं, उनका जवाब हम अपनी इस चर्चा में तलाशने की कोशिश करेंगे। हिमाचल प्रदेश सरकार का ये फरमान, जिसने पूरे देश की सियासत में घमासान मचा दिया है, इस संबंध में हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने वाले जो खास मेहमान हैं, कांग्रेस की तरफ से अमित तिवारी जवाब रखेंगे और बीजेपी की तरफ से अनिल गोयल जी हमारे साथ शामिल हो चुके हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में शामिल होने के लिए। अनिल जी हमारे साथ अभी नहीं जुड़े हैं, लेकिन हमारे साथ डीआर साहू पॉलिटिकल एनालिस्ट, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता अमित तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित जी, योगी करें तो गलत, सुक्खू करें तो सही, ये ठीक नीति है आपकी? देखिए, यहां तक नीतियों को लेकर के है, हमारा पूरा प्रयास देवभूमि की शुचिता और अखंडता को बनाए रखना है, साथ में उसे एक वास्तविक विकास का रोल मॉडल देना है, जहां हिमाचल प्रदेश ने विगत एक वर्ष में तीन से चार प्राकृतिक आपदाओं का दंश झेला है। हमारा प्रयास है कि हम उन सभी लोगों की जिंदगी में खुशहाली ला सकें जो इस प्राकृतिक आपदाओं से पीड़ित हुए हैं, जो प्रभावित हुए हैं, हम उनको राहत कैसे पहुंचा सकते हैं, हमारा पूरा फोकस इसी को लेकर के। जी ठीक है। डीआर साहू जी, कहीं ये मामला कांग्रेस की गले की फांस तो नहीं बन जाएगा? मेरे को ये लगता है कि जो चुनाव हरियाणा का है उसके आधार पे इनकी जो बयान कांग्रेस की जो दर ने किया है, अब मैं ये नहीं चाहता हूँ कि ये किस आधार पे उन्होंने बात की, लेकिन इस बात से एक विवाद और बात विवाद की बात आ गई है और राजनीति जो सियासी जो है उसको गरमा दिया है। तो योगी जी की सरकार उत्तर प्रदेश में, ये तो एक सरकार है जिसमें इस तरह की बातों को काफी अहमियत इसलिए दी जाती है क्योंकि हमारे यहाँ की जो मुख्यमंत्री है, माननीय मुख्यमंत्री जी है, उनका ये रवैया सबको पता है कि वो काफी कड़ी कदम उठाते हैं और उसके हिसाब से उनकी जो विचार है वो खूब सामने दिखाई देता है। लेकिन जहां तक हरियाणा की बात है, उस हरियाणा में इस तरह की बात और सॉरी हमारे जो हिमाचल प्रदेश की इस तरह की बात है, इस तरह की चुनाव की जो माहौल है उसमें ये एक कंट्रोवर्सी या इसको कह सकते हैं ये खड़ा हुआ है। लेकिन बाद में ये देखा, आप लोगों ने भी देखा होगा कि चीजों को
बताए थे उनमें भी बदलाव दिखा और कहीं ना कहीं कांग्रेस के जो पार्टी के हाईकमान इसके बारे में अपना जो भी निर्णय होगा उनको बुलाया गया जो भी है, लेकिन बात जब छिड़ा गया है तो इसके ऊपर एक राजनीतिक हलचल और जो चुनाव की माहौल को तो एक खुराक मिल गया है, इसके आधार पे आपस में बात करने का एक मिल गया मौका। ठीक है अमित, इस मामले में सरकार को बैकफुट पर क्यों जाना पड़ा? देखिए हमने कहा, हमने पहले ही इस बात को स्पष्ट किया कि हम हमारा शीर्ष नेतृत्व किसी भी कंट्रोवर्सी में नहीं जाना चाहता, हम सदैव डेवलपमेंट के एजेंडे को आगे ले जाना चाहते हैं। हाँ, हमें लगता है कुछ ना कुछ कमियां जरूर इन फैसलों में रही होंगी, जिसको लेके हमारा केंद्रीय शीर्ष नेतृत्व जो है वो यकीनन इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता और उन्होंने तत्काल प्रभाव से इस बात पर विराम लगाने और इस संबंध में अपनी स्पष्टीकरण से लेकर के जो भी हमारे पार्टी संगठन की व्यवस्थाएं थी उसको लेकर उन्होंने बात की है। हम यकीन दिलाना चाहते हैं कि हमारा पूरा ध्यान देवभूमि की शुचिता, अखंडता और पवित्रता को बनाए रखने में है, साथ ही साथ देवभूमि के विकास में हम कोई कोर कसर न छोड़ सके, यह कांग्रेस सरकार की प्राथमिकता है। हम चाहते हैं कि सुक्खू सरकार के वो फैसले लागू हो जिसमें बेटिया के जन्म पर 2.5 लाख की FD उसे करा कर दी जाती है, एक बीमा उसका हो जाता है कि जब बेटिया 18 साल की होगी तब उसे 2.5 लाख का कवरेज मिलेगा। तो हमारा पूरा अमित भाई, यही इसी सोच के साथ तो जब कांवड़ यात्रा हो रही थी तो उत्तर प्रदेश और उत्तरांचल सरकार ने भी यही देवभूमि की स्वच्छता और शुद्धता के लिए ही तो ये फैसले लागू कराए थे जिसको सुप्रीम कोर्ट ने रोक दिया, फिर उसके बाद अभी उत्तर प्रदेश सरकार लेकर आई, तब आप लोगों ने कितना बाउंडर किया था और ये कहा था कि धर्म के नाम पर ये सब हो रहा है, योगी जी पॉलिटिक्स कर रहे हैं, धामी जी पॉलिटिक्स कर रहे हैं, धर्म के नाम पर बंटवारा हो रहा है, हिंदू मुसलमान की पॉलिटिक्स की जा रही, और ये क्या है जो हिमाचल में हो रहा है? मैंने कहा ना कि यकीनन हम इस बात को मानते हैं कि हमने कल भी धार्मिक उन्माद का विरोध किया था, आज भी हम धार्मिक उन्माद का विरोध करते हैं और आगे जब कभी भी नंबर आएगा तो हम धार्मिक उन्माद का विरोध करेंगे। हमारी पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने, शीर्ष नेतृत्व ने इन बातों का संज्ञान लिया और त्वरित रूप से हम वहां की जो सरकार है उसको दिशा निर्देश दिए और यकीनन हम मानते हैं कि हम जिस व्यवस्थाओं और जिन सिद्धांतों के खिलाफ लड़ रहे हैं उन सिद्धांतों को हमारी सरकारें कहीं पर भी लागू नहीं करेंगी। हो सकता है नीतिगत भूल हो, हम इसे एक्सेप्ट करेंगे, सुधार करेंगे, लेकिन देवभूमि की शुद्धता और अखंडता के साथ कोई समझौता नहीं हुआ। लेकिन इसके साथ साथ यही तो बीजेपी भी चाहती है। ठीक है, हमारे साथ अनिल गोयल जी जुड़ गए हैं। भारतीय जनता पार्टी क्या चाहती है? अनिल गोयल जी जुड़ गए हैं। अनिल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अमित जी, आपकी ही बात कर रहे हैं, देवभूमि की शुद्धता स्वच्छता की बात ये भी कर रहे हैं और शायद मुझे लगता है कि इसीलिए इनको योगी मॉडल पर जाना पड़ा है। अनिल जी, नहीं देखो बात क्या है कि इनके ये खुद कंफ्यूज हैं, कभी मुसलमानों की तरफ, कभी हिंदुओं की तरफ, कभी देवभूमि की तरफ, कभी समर्थन, कभी विरोध। जो कंफ्यूज होता है, जिसकी कोई नीति नहीं है, कोई नियति नहीं है, कोई पॉलिसी नहीं है, कोई लीडरशिप नहीं है, तो उसके साथ ऐसा होना स्वाभाविक है। आप एक बात बताएं कि जो उत्तर प्रदेश में योगी जी ने करा वो हिमाचल में करा, हम इनका समर्थन करते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इनको दिक्कत यह है कि अगर योगी जी करेंगे तो गलत है, हिमाचल में होगा तो ठीक है। यानी इतनी इनकी कथनी और करनी में स्पष्ट फर्क दिखाई देता है कि इनकी कथनी और करनी में कितना अंतर है। आज देवभूमि, हम ये भी देवभूमि बात करें, हम भी देवभूमि बात करें, हम सनातन धर्म की रक्षा की बात कहते हैं सनातन धर्म को, बीमार कहते हैं सीमानी सनातन धर्म को, ये मलेरिया कहते हैं सनातन धर्म को, डेंगू कहते हैं। अगर ये वास्तविकता में देवभूमि की बात करते हैं तो देवभूमि में सनातन धर्म है, तो जो इनके गठबंधन के हिस्सेदार हैं, जो सनातन धर्म को गाली देते हैं, जो सनातन धर्म को खत्म होने की बात कहते हैं, और यहां तक में इनके राष्ट्राध्यक्ष के बेटे भी कहते हैं, इनके गठबंधन के लोग भी कहते हैं, आप हम ये माने कि हम इसको स्वीकार करें कि ये जो हिंद देवभूमि को बचाना चाहते हैं, सनातन धर्म को बचाना चाहते हैं, तो उनसे नाता तोड़ें, उनसे करें कि समाज सनातन धर्म को गाली देने वालों के साथ हम नहीं रहेंगे। अब इसके इन्होंने क्या है, जिस तरीके से जम्मू कश्मीर के अंदर धारा 370 खत्म हुई, गठबंधन के साथी तो कह रहे हैं, ये नहीं कह रहे हैं, तो ये जो इनका सिर्फ हर तरीके से वोट लेना हासिल करने का मतलब होता है कि अब उपचुनाव हो रहे हैं तो हम उनका वोट कैसे लें, तो हिंदुओं की बात करते हैं, जब इन्हें वोट लेना होता तो जनेऊ अपने कोट के ऊपर जनेऊ पहन लेते हैं,
जब वोट नहीं लेना होता तो मतलब इनका टोटल नीति है कि किस तरीके से वोटों को इकट्ठा करा जाए, इनका कोई हिमाचल के विकास से, देश के विकास से कोई मतलब नहीं है, देश के मान सम्मान से कोई मतलब नहीं। ठीक है, ठीक। अमित, अपनी बात 15 सेकंड में खत्म करिएगा, जवाब देना है, उसके बाद साहू जी के पास जाऊंगा मैं। पार्टी जिस धारा 370 की बात कर रही है, जिस हिंदुत्व को लेकर के बात कर रही है, वहां तो उन्होंने पीडीपी के साथ सरकार बनाई थी ना और मलाई मोटी खाई थी। दूसरी बात, हम कहते हैं जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकारें आज केंद्र में जो लंगड़ी सरकार बनी है जो दो बैसाखियों पर, वहां तो रिजर्वेशन का समर्थन, मुस्लिम रिजर्वेशन का समर्थन करने वालों के साथ सरकार बनाए हो, इस पर भी तो आपको जवाब स्पष्ट करना चाहिए। देखिए, भारत जो है ना वो डेमोक्रेटिक देश है और हम संविधान से चलने वाले लोग। एक तरफ अब आपको मुसलमानों से बड़ी आपत्ति है, तो मुसलमानों को अलग रिजर्वेशन देने वालों के साथ आप सत्ता में क्यों बैठे? क्योंकि सत्ता से आपको मोटी मलाई खानी है। प्रधानमंत्री जी समर्थन वापस ले ले, क्यों नहीं लेते हैं? कैसे नहीं लेंगे समर्थन? हम देश के चुनाव में जाएंगे, जनता ने हमें चुन के नहीं भेजा तो हम प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी की जहां पर भी सत्ता नहीं है, उन्हें इस पेट में दर्द होता है कि वहां की जो शांति व्यवस्था है उसको कैसे खंडित किया जाए, वहां कैसे उन्माद फैलाया जाए। ये भारतीय जनता पार्टी का प्रोपेगेंडा है। आप देखिएगा हिमाचल प्रदेश का चुनाव, हरियाणा के चुनाव में जनता इनको जवाब देगी कि किस प्रकार से इनका जो 10 सालों का केंद्र का कुशासन रहा है और 10 सालों का हरियाणा में कुशासन रहा है, और ये जिस भी प्रदेश में रहे इनका एक ही मकसद रहा है, एन केन प्रकरण, चाहे डेमोक्रेसी की हत्या हो, चाहे पार्टियों को तोड़ने को लेकर के हो, चाहे विधायकों की खरीद फरोख को लेकर के हो, भारतीय जनता पार्टी सदैव सत्ता के आधार पर आगे बढ़ी है और कोई इनके पास लक्ष्य नहीं है। बिल्कुल ठीक है। साहू जी, क्या हिमाचल कांग्रेस या हिमाचल की सरकार को इस बात का एहसास हो गया है कि राज्य के हिंदू मतों के बगैर उनकी पॉलिटिक्स सर्वाइव नहीं कर सकती है? क्योंकि एक माह के अंदर दो वहां के मंत्रियों ने हिंदू समर्थन में बयान दिए, एक अनिरुद्ध, इससे पहले भी उन्होंने मस्जिद को लेकर बयान दिया था कि यहां पर जो अवैध अतिक्रमण हो रहा है उसको ढाया जाए, और विधानसभा के अंदर दिया था, मुझे अच्छी तरीके से याद है, आपको भी याद होगा। और उसके बाद विक्रमादित्य जी ने ये कहा है, जो आपने सुन ही लिया है, कि हम उत्तर प्रदेश की तर्ज पर ये अपनाने जा रहे हैं, ये मॉडल अपनाने जा रहे हैं, उत्तर प्रदेश का मॉडल अपनाने जा रहे हैं। तो इसलिए सवाल बनता है कि क्या कांग्रेस को एहसास हो गया है कि हिमाचल की पॉलिटिक्स बगैर हिंदू मतों के नहीं हो सकती है? देखिए, इस बारे में आकलन करना तो मुश्किल है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी की आधिकारिक रूप में जो उनकी बयान है उस बयान को कहा गया, मतलब स्वीकारा नहीं गया और उसमें थोड़ा बदलाव दिखाई गया। लेकिन ये बात तो सही है कि कुछ ऐसे कांग्रेस नेता उसी पार्टी से उसी दल में रहते हुए भी अपनी विचार प्रस्तुत किए हैं और उस उनकी जो विचार और या वक्तव्य दिए हैं उस वक्तव्य में ये लग रहा है कि मेरे को ये कहते हैं कि ये सत्ता की राजनीति है, ये सत्ता की राजनीति के लिए हर कोई सत्ता में रहना चाहता है। हो सकता है कि सत्ता में रहने के लिए इसको उन्होंने अपना महसूस किया और उसके आधार पे बात किया, लेकिन हम तो जब कहेंगे एक राजनीतिक दल जब अपनी बात को स्वीकारते हैं और उनकी व्यक्तिगत बात को यदि बदल देते हैं तो इसमें फिर चीजें कुछ पार्टियों के अंदर लगता है कि कुछ आपसी मतभेद है या कुछ है, और ये बात जब आ गया है बयान में उसके बाद भी बदल गया है और या तो उनको जो भी बात की, इससे ये साफ नजर आ रहा है कि पार्टी के अंदर भारतीय जनता पार्टी के सत्ता तो है ही अन्य राज्यों में, लेकिन जो चुनाव की मद्देनजर रखते हुए कांग्रेस पार्टी के जो हिमाचल प्रदेश के जो कुछ व्यक्ति ने अपने विचार रखा है उसमें साफ नजर आ रहा है कि इनकी असंतोष है और असंतोष को किस परिस्थितियों में उस असंतोष को विचार किए हैं। तो लेकिन राजनीतिक दल के रूप में इसको यदि इस तरह से बदलाव हो रहा है, बदल जा रहा है या कुछ बातें हो रही है, तो इसमें फिर एक प्रश्न लगता है कि हो सकता है कि एक डिसिडेंट का एक्टिविटी शुरू हुआ हो, क्योंकि हिमाचल में ये बात दिखा गया है कि हिमाचल की चुनाव के बाद सत्ता में बहुत सारे लोगों का अदल बदल हुआ है, लोग इस पार्टी से उस पार्टी में गए हैं, तो उस परिस्थितियों को अभी हम नहीं जानते हैं, लेकिन ये भी इसको अंदेशा इस तरह की हो सकता है। जी ठीक है, ठीक। अनिल गोयल जी, ये मंत्री विक्रमादित्य जी जिन्होंने ये कहा है, जिन्होंने पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर है वहाँ पर, ये वही मंत्री हैं जिनकी एक बार बीजेपी में जाने की भी बहुत तेजी से चर्चा हुई थी। ये वही मंत्री हैं जिन्होंने कहा था कि रामलला मंदिर कार्यक्रम में कांग्रेस
को कांग्रेस के नेताओं को जाना चाहिए, काफी ज्यादा प्रभावित हैं आपकी पार्टी की नीतियों से ये? नहीं देखो, हिंदू ये हमारी पार्टी नीति से प्रभावित नहीं है, ये अपने विचारों से प्रभावित हैं। अगर इनके विचार ये मेल खाते हैं कि जो भगवान राम के मंदिर में दर्शन करने के लिए जाना चाहिए तो एक कटु सत्य है। अगर कांग्रेस ने इसका बहिष्कार करा है तो गलत करा है। आज मानो विक्रमादित्य जी ने ये बात जो बात कही है वो निश्चित तौर पर जो भी लोग हैं, चाहे श्रद्धालु हैं चाहे आम लोग हैं, उनको अगर वो कोई चीज खा रहे हैं तो उनको ये पता होना चाहिए वो चीज कहाँ पर खा रहे हैं, किसके हाथों की खा रहे हैं और वो कितनी स्वच्छ है, खाने लायक है या खाने लायक नहीं है। उनको हर चीज का पता होना चाहिए कि उनको वो उसको खा करके उनके धर्म का भी मामला इसमें जुड़ता है, उनके स्वास्थ्य का मामला भी उसके अंदर जुड़ता है। लेकिन ये इसमें राजनीति ढूंढते हैं। जो बात माननीय योगी जी ने कही है उस बात को कटु सत्य है, जिस बात को आज हिमाचल की सरकार मान रही है। लेकिन ये इसमें राजनीति देख रहे हैं कि अगर योगी जी करते तो गलत है, हिमाचल वाले करते तो ठीक है। अभी मेरे भाई बार बार धार्मिक उन्माद की बात करें, ये इसमें धार्मिक उन्माद कहां से आ गया? कोई भी व्यक्ति, अगर कोई भी व्यक्ति अपनी कोई चीज खाना चाहता है, खाने का लेना चाहता है, क्या उसको ये नहीं पता होनी चाहिए कि ये चीज मैं जो खाने के लिए ले रहा हूं ये मेरे धार्मिक आधार पर, मेरे स्वास्थ्य के आधार पर मेरे लिए खाने योग्य है या नहीं है? अब इसमें ये राजनीति करें, इसमें धार्मिक उन्माद देखें तो वो तो इनकी अपनी सोच है, उस सोच का इलाज तो किसी के पास भी नहीं है। दूसरी बात क्या है कि मैं सिर्फ बात हिमाचल प्रदेश पर रखना चाहता हूँ, ये पूरे हिंदुस्तान से भाग रहे हैं, पूरे हिंदुस्तान से भागे तो मुझे पूरे हिंदुस्तान में चर्चा करने में दिक्कत नहीं है। लेकिन दिक्कत क्या होती है कि आज हिमाचल प्रदेश की सरकार की क्या स्थिति है कि इनके मंत्रियों को भी वेतन देना पड़ रहा है। आज हिमाचल को इन्होंने इतना कंगाल बना दिया है, हिमाचल की आर्थिक स्थिति खराब हो गई है, जो ये फ्री बीच ये बांटेंगे और वायदे करके टैक्स लेकर के पेट्रोल डीजल पर टैक्स बढ़ा करके गरीब वहां की जनता पर इन्होंने मार करी है, टैक्स की मार करके, और उसका जो ये लाभ उठाना चाहते हैं। निश्चित तौर पर इनको हिमाचल सरकार चलानी नहीं आ रही, इनकी जो काम करने की कार्यशैली है वो जनता के हित की नहीं है, हिमाचल के हित की नहीं है, देश के हित की नहीं है। सिर्फ मेरा हित कैसे हो, मेरी पार्टी का हित कैसे हो, मुझे ठीक है, ठीक है। अमित भाई आप दे दीजिएगा जवाब अनिल जी की बात का, लेकिन एक सवाल मेरा भी ले लीजिए। थोड़े दिनों पहले शिमला में एक मस्जिद विवाद हुआ था, उस मस्जिद का नाम मेरे ख्याल से संजौली था, संजौली मस्जिद विवाद हुआ था, आपको याद होगा। संजौली मस्जिद में मंत्री अनिरुद्ध सिंह वो विधानसभा के अंदर बयान देते हैं कि वहाँ जो अवैध निर्माण हुआ है उसे ढाया जाना चाहिए और इस राज्य में घुसपैठिए हैं उनकी पहचान की जानी चाहिए। और उसके बाद एक महीने के अंदर ही दूसरे मंत्री वो भी इसी तरीके की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं कोई बात तो है। बार बार हाईकमान के दबाव में इनकी आवाजें दबा दी जाती हैं। देखिए, इसमें बस वही है जो मध्य प्रदेश में हुआ, जो राजस्थान में असफल रहा, वही हिमाचल में करने का, जो कर्नाटक में पहले रहा, फिर वो मध्य प्रदेश चला, फिर राजस्थान में असफलता मिली जिस सरकार को गिराने में, वही प्रयास इसके पहले भारतीय जनता पार्टी कर चुकी है ना, कि 5-6 विधायकों 7 विधायकों को ले जा करके वाई प्लस सिक्योरिटी के साथ कहां उसी हरियाणा में ठहराई थी ना, वही वाई प्लस सिक्योरिटी की वायुसेना के हेलीकॉप्टर से। तो ये भारतीय जनता पार्टी में है कि भारतीय जनता पार्टी का उद्देश्य, जब वो बाई इलेक्शन में गए तो उनका क्या हाल रहा, उनकी सदस्यता कैसे रद्द हुई, पूरा हिमाचल जानता है। संजौली मस्जिद का जहां तक प्रकरण है, हमारी सरकार ने स्पष्ट तौर पर कहा था कि हम देवभूमि में इस अस्थिरता नहीं आने देंगे, जो भी अवैध होगा वो कोर्ट के मुताबिक, ला के मुताबिक तोड़ा जाएगा। और आपने देखा कि उस पर सभी की सहमति है, जो अवैध है वो टूटेगा, उसे कोई रोक नहीं सकता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी सत्ता की लोलुपता में मस्त कि कहीं से एक फिराक मिल जाए और हम गपत ले सत्ता, ये एक बार उनका प्रयास असफल हो चुका है। केंद्रीय नेतृत्व ने बता दिया है कि हम कितने सजग और सशक्त हैं, जिन लोगों को तोड़ के लेके गए थे ना राज्यसभा चुनाव में, जिनको जिनकी मेहमान नवाजी भारतीय जनता पार्टी ने की थी, उन लोगों से मैं पूछना चाहता हूं किस आधार पर, किस नैतिक आधार पर बातें करते हैं देवभूमि की शुचिता और लोक देश की लोकतांत्रिक अखंडता की, जो लोग दूसरे दल के विधायकों को तोड़ने के लिए जाने जाते हैं और केंद्रीय सुरक्षा बलों की निगरानी में दूसरे दलों के विधायकों को सिद्ध कराते हैं। तो इनका पूरा उद्देश्य, अभी जहां तक वादा करने की बात थी, अरे भाई आपके नेता ने कहा था कि 15 लाख आएंगे, नहीं आए,
आप झूठे हो सकते हो, दूसरी सरकारें झूठे हो सकती है। कहा था कि 2,02,00,000 प्रतिवर्ष नौकरी आएंगी, 11 साल की सरकार हो रही है, 22 करोड़ रोजगार होने चाहिए थे। नहीं, इन झूठों की सरकार है तो झूठे अपने आप को झूठे की तरह तोलते हैं। ठीक है, जो आपके नेताओं में अस्थिरता है वो दूसरे नेताओं में नहीं है। हमारी पार्टी जो कहती है वही करती है। हमने कहा था कि हम 2,50,000 का बीमा देंगे हिमाचल की बेटियों को, हमने दिया है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। दे कहां पा रहे, पैसा ही नहीं है आप लोगों के पास, तभी वही तमाम सारे संकट है। ठीक है साहू जी, ठीक है अमित आऊंगा, अमित आऊंगा आपके पास। साहू जी से एक सवाल ले लेता हूं, गोयल जी आपके पास आता हूं। साहू जी, जो इस तरीके की एक्टिविटीज, जो इस तरीके के बयान निकल कर आ रहे हैं कांग्रेस नेताओं, कांग्रेस या हिमाचल के मंत्रियों की ओर से, तो क्या इससे सवाल खड़े नहीं होते कि कांग्रेस भी सॉफ्ट हिंदुत्व की पॉलिटिक्स की रणनीति पर आगे बढ़ रही है? देखिए, इसमें तो व्यक्ति के जो बयान है उसके आधार पे, व्यक्ति के जो विचार है उसको देखा जाए, या पार्टी के हिसाब से यदि बयान, यदि इसको चुप रहते और उस तरह बदला बयान बदले नहीं होते या दबाव में नहीं रहते तो कहा जा सकता था। लेकिन जहां तक चुनाव की बात है, ये हरियाणा का चुनाव और जो जम्मू एंड कश्मीर के चुनाव है, इन सब चुनाव को देखते हुए ये सारे बातें लगता है कि ये चुनाव माहौल को गर्माने का और चुनाव माहौल में इस तरह की बातों को रखने का एक स्ट्रैटेजी हो सकता है। और इसमें कही सही बात है कि सॉफ्ट हिंदुत्व की बात तो कांग्रेस पार्टी में भी दिखा गया है। ऐसा नहीं है कि सॉफ्ट हिंदुत्व की बात नहीं कही है, उसमें अतीत में हम लोगों ने बहुत सारे ऐसी घटनाएं देखा है कि सॉफ्ट हिंदुत्व को भी थोड़ा सा कांग्रेस पार्टी अपने उसमें कुछ बिहेवियर में, आचरण में उसमें दिखा। लेकिन अब इन सभी चीजों को, चुनाव को संदर्भ में रखते हुए जब हम देखते हैं तो लगता है कि ये चुनाव माहौल में ये सब बातें जब आएगा तो मार्केट को, जो चुनावी बाजार को थोड़ा गर्म करने की बात है। और इलेक्शन आज की तारीख में डेमोक्रेसी की, जो चुनाव की माहौल है, इसमें इन सभी बातें आना, हमको लगता है कि ये सब आने से थोड़ा सा एक सनसनी की बात है। लेकिन हमारा ये कहना है कि लोकतंत्र के जो सबसे महत्वपूर्ण बात होती है वो है विकास की राजनीति करें, समाज में साझेदारी, भागीदारी, बराबरी की बात करें, समावेशन की बात करें, तो इन सभी चीजों को मुद्दा रखें तो पूरा स्वस्थ लोकतंत्र की बात आए। ठीक है, मेरा ये मानना है कि ठीक है, ठीक है, हाँ आपकी बात समझ लिया। अनिल जी, नाम लिखने को लेकर पूरे देश में समय हल्ला मचा हुआ है, पहले उत्तर प्रदेश को लेकर और अब आज जो हिमाचल की खबर निकल कर आई उसको लेकर, नाम लिखने अकेले से क्या शुद्धता की गारंटी मिल जाएगी? देखो, नाम लिखने से शुद्धता की गारंटी मिल जाएगी वो बात नहीं है, लेकिन नाम लिखने से जो भी व्यक्ति खरीदने सामान खरीदना चाहता है, अगर उसको ये पता है कि मैं किससे सामान खरीद रहा हूँ, किससे सामान नहीं खरीद रहा हूँ, तो दुनिया को पता है, सबके नाम से रजिस्ट्रेशन होता है, सबको पता है। यार भैया, नाम प्लेट तो अगर सब क्यों कर रहे हो, नाम नेम प्लेट सबको पता है। अरे आप सबको पता लगा रही है, अरे पता है तो आपकी सरकार लगा रही है ना, सबको पता है। आप ही विरोध कर रहे हो, आप बताओ ना कि केंद्रीय दुग्ध डेयरी बोर्ड ने जांच कैसे की कि मछली का तेल पहुंच गया। आप जो है तिरुपति बालाजी के मंदिर में बोलने की आदत, बीच में बोलने केंद्रीय एजेंसियां कहां थी, पैसे के गबन में शामिल लोग कहां थे, ईडी कहां थी, टीवी गठबंधन में जाते नहीं हो, क्योंकि टीवी गठबंधन ना आज पहली बार मौका मिला, छोटा सा जवाब दे दीजिए ना, आप ठेका ले रखा हिंदुत्व आपने, आपको छप्पा लगाया क्या हिंदुत्व का, आपको बोलने पर क्या बात करते हैं, आपने किसको परमिशन दी, जो हिंदू है आपने किसको परमिशन दी, आप परमिशन देंगे हिंदुत्व पर बोलने के लिए, आप परमिशन देंगे बोलने के लिए हिंदुत्व पर, नहीं ना पीछे बोल, आपने पीछे क्यों बोल रहे हैं, आप पीछे से बोलने मौका नहीं मिला ना, वो छोटा सा सवाल, वो छोटा सा सवाल पूछ रहे थे जी, बैठे बैठे नहीं वही मैं बात है, अरे फिर बैठा हूं मैं, आपसे छोटा सा सवाल कर रहा हूं, पहले जवाब दे दीजिए ना, आप परिचर्चा कर रहे हैं जवाब दे दीजिए ना, बैठे हो क्या, जवाब दे दीजिए ना, उसमें मैं पढ़ा क्या आवश्यकता है क्या, अमित गोयल जी की बात कंप्लीट होने दीजिए आप कहीं करेंगे क्या, मैं नहीं बोलने का, आपको बीच में बोलने बोलता ही है,
सवाल ही पूछता है। जब आरोप प्रत्यारोप बोलेंगे ना तो गलत, जब आप गलत आरोप प्रत्यारोप करेंगे तो कोई टोकेगा ना? आप जवाब दे देना, गलत तो जवाब आप दे दे, मैंने कौन करा? आप भी गलत बोल रहे हैं, मैं आपको जवाब दे रहा हूँ ना। आप जो लोटस, जो आप ऑपरेशन लोटस की बात कहते हैं, आप अपने विधायकों को संभाल कर नहीं रख सकते। डेमोक्रेसी में इसका नियम नहीं है, डेमोक्रेसी में इसका नियम नहीं है। ना 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 ना, शिवसेना शिवसेना को जिस प्रकार से तोड़ा, नैतिक शिष्टाचार है आपका। अरे तो वो भी बता, कैसे डिफेंड करेंगे सर? आप बीच में मत बोलो। ठीक है, वन बाय वन। ठीक, अमित 92 में गोयल जी आपकी बात खत्म हो गई, आपकी बात खत्म हो गई। नहीं, एक सेकंड प्लीज। ठीक, 92 में इन्होंने लोकतंत्र की हत्या करके बीजेपी की 6 सरकार को गिराया था। अगर विवादित ढांचे उत्तर प्रदेश में गिरा तो बाकी 5 राज्य सरकार किसने गिराया था? ठीक, लोकतंत्र की हत्या करी थी। ठीक, अमित ठीक है, गोयल जी ठीक है। अमित, क्या योगी मॉडल का नाम आने की वजह से बैकफुट पे जाना पड़ा? बिल्कुल नहीं। देखिए, योगी जी के मॉडल बहुत है। योगी जी का मॉडल भ्रष्टाचार का है, अपराध का है, ठीक है, अराजकता का है। तो हम उनके मॉडलों को एक्सेप्ट नहीं कर सकते। कांग्रेस पार्टी जिस विचारधारा के खिलाफ लड़ रही है वो विचारधारा उन्मादी है, वो जनता को कहीं से राहत नहीं दे सकती। जो जिस विचारधारा के खिलाफ लड़ रहे हैं वो महंगाई के खिलाफ है, वो बेरोजगारी के खिलाफ है, वो भ्रष्टाचार को संलिप्त करती है, वो अपराध को बढ़ावा देती है, वो अपराध में जातियां ढूंढती है। आप समझिए ना इस बात को, हम लोग कभी एक्सेप्ट नहीं कर सकते। हम लोग संविधान को मानने वाले लोग हैं और संविधान की रक्षा के लिए संविधान की किताब पकड़ के निकले, और हम नफरत से नहीं, हम मोहब्बत से देश के दिलों को जीतेंगे। यकीन मानिए, जहां पर भी हमारी सरकारें हैं वहां के लोगों के प्रति हमारी जवाबदेही 100% कटिबद्ध है। उसके लिए हम उन बातों को पूरा करेंगे। हम उन झूठों की तरह नहीं है, हम उन झूठों के सरदार की तरह नहीं है जो हम कहेंगे कि 2 करोड़ अपना जवाब दे दीजिएगा, उसके बाद चर्चा को विराम देंगे। ये झूठ के प्रबंधक खुद है, दूसरों को झूठ की बात कहते हैं, संविधान की बात कहते हैं। जिस टाइम इंदिरा गांधी इमरजेंसी लगी थी, माननीय हाई कोर्ट ने इंदिरा गांधी का चुनाव अवैध घोषित करा था, ये रिजाइन देने की बजाय इन्होंने देश पर आपातकाल थोपा था। संविधान के धज्जे उड़ाई है तो इन्होंने उड़ाई है, और संविधान के धज्जे उड़ाने वाला संविधान की बात कहते हैं, संविधान का अपमान करने वाला घोषित कर दो। संविधान की बात घोषित कर दो। आपने इमरजेंसी लगाई नहीं लगाई इंदिरा गांधी? ठीक है वक्त हमें इतनी इजाजत देता है, चर्चा को यही विराम देना पड़ेगा। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया करूंगा, अमित जी, अनिल जी, साहू जी, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया करूंगा। हमारे देश में बीते कुछ सालों से एक चलन हो गया है कि जब भी भारतीय जनता पार्टी की सरकारें कुछ सख्त कदम उठाती हैं तो उन्हें हिंदू मुसलमान से जोड़ दिया जाता है। ये ठीक नहीं है। जिस भी पार्टी को जनता ने सरकार बनाने का बहुमत दिया है उसे अपनी पॉलिसी बनाने का पूरा हक है, इसलिए किसी भी बदलाव या सुधार को सांप्रदायिक बताकर खारिज करना उचित नहीं है। विपक्ष को इतना उतावला भी नहीं होना चाहिए। ये बात बीजेपी के लिए भी सही है और कांग्रेस के लिए भी। बहरहाल, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए TV 27 न्यूज़। नमस्कार।